वीरगंज बरेली। बारिश में कट गया गोरा पुल का अप्रोच रोड, भीषण हादसा होने का डर। पुल की रेलिंग पर कट और सीढ़ियां नहीं बनवाए जाने से भी बड़ी ग्रामीणों की परेशानी। रामगंगा नदी के गोरा बसंतपुर पुल का अप्रोच रोड विगत दिनों की हालिया बारिश में जगह जगह कट गया है। कई जगह तो ये रोड आधे से ज्यादा कट चुका है। अप्रोच रोड किनारे मिट्टी रेत डाली गई जो कि जगह जगह कट गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने कटे रोड का पत्थर बजरी कोल तार से पुनर्निर्माण कराने के बजाय मिट्टी रेता डालकर छुपा दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के चलते रेता मिट्टी पड़ी होने से अप्रोच रोड बारिश में कट चुकी है। अप्रोच रोड पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वाहन चालकों और क्षेत्रवासियों का कहना है कि जिम्मेदार पीडब्ल्यूडी अफसर बारिश में कटे अप्रोच रोड को दुरुस्त करवाने के बजाय शायद बड़े हादसे के बाद चीख पुकार मचने पर ही कुमकरणी नदी से जागने का मूड बना चुके हैं। गाँव गोरा, लोकनाथपुर, हेमराजपुर, बहरोली आदि के ग्रामीणों ने अप्रोच रोड के किनारे मिट्टी रेत डालने के बजाय पत्थर डालने की मांग की है। नाम है आपका? मेरा नाम चौकीदार। कहाँ रहते हैं आप? गोरा लोकनाथपुर। ये यहाँ आपको क्या परेशानी होती है जब आप यहाँ से? ये सर क्या कहते हैं, ये जब बारिश होती है रोड कट जाता है। कौन सा रोड है ये? ये गोरा बसंतपुर घाट, गोरा लोकनाथपुर को घाट का ये पुल है, ठीक है। अब ये हर बारिश में ये कट जाता है सर। अच्छा, हाँ, वो रेता डाल देते हैं, बात खत्म हो जाती है। ये अप्रोच रोड है, इसके किनारे रेता पड़ा हुआ है। रेता पड़ा हुआ है। आपका क्या है इसमें कि यहाँ पत्थर डालना चाहिए था? हाँ, वैसे पत्थर पड़ जाए तो और बहुत बढ़िया बात रहेगी, मजबूत हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा अखिलेश कुमार नाम है। कहाँ रहते हैं आप? गोरा हेमराजपुर। ये गोरा का जो पुल बना है और इसके पुल से होते हुए जो एक अप्रोच रोड जा रही है, तो यहाँ पे ये मिट्टी पड़ी है जो एक ही बारिश में मिट्टी कट गई है और रोड को भी काटना शुरू कर दिया है, तो इसमें क्या कहना है आपका? यही कहना है, इसमें मिट्टी भरी है, इससे पत्थर लगना चाहिए था इस पे। तो इससे पहले भी यहाँ पे कटान हुआ है और ये सेतु निगम वाले मिट्टी डाल जाते हैं, ऐसा क्या है इसमें? पत्थर लग जाएगा तो पत्थर से सेफ्टी बढ़िया हो जाएगी रोड की। यहाँ पे जल्दी में ही रोड पड़ा है ये? हाँ, जल्दी। एक साल हो गया। क्या नाम है आपका? श्री नत्थूलाल। कहाँ रहते हैं आप? गोरा। ये जो गोरा लोकनाथपुर में पुल बना है, इस पुल से होते हुए एक अप्रोच रोड निकाली है सेतु निगम द्वारा, तो इसमें क्या कहना है आपका? ये जो कटान हुआ है एक ही बारिश में, ये कहना तो ये है सर, देखो अब ये मिट्टी पड़ी है, अब ये संवार रहा है, ये एक है बारिश में इतना रोड कट गया। अगर कहूँ तब का बारिश हो जाती तो ये रोड जो है सर अगर चलता ही नहीं, इधर से उधर हो जाता। अब आप देख रहे हो कि ये जॉन्ड है, देखो यहाँ इनने मिट्टी डाली है और उधर वो मिट्टी डाली है, दोनों जॉन्ड है। तो यहाँ मिट्टी की जगह क्या पड़ना चाहिए था आपके? अब यहाँ मिट्टी की जगह तो सर पत्थर लगना चाहिए, पत्थर लगता है यहाँ, पत्थर लगना चाहिए। हाँ, पत्थर लगता तब मिट्टी रुकती है, जहाँ उचान है यहाँ कह कर पत्थर लग जाता जे लो, कितना खत्म है। आपका? शास्त्री। कहाँ रहते हैं आप? हेमराजपुर। ये जो गोरा लोकनाथपुर में पुल बना है सेतु निगम द्वारा, इससे लोगों का आवागमन हुआ है। अब इसकी जो अप्रोच रोड बनी है, यहाँ पे मिट्टी पड़ी हुई है जो मिट्टी कट गई है एक ही बारिश में, इसमें पत्थर लग जाना चाहिए, इसे मजबूत हो जाएगा। पत्थर लगना चाहिए था। पहले ठेकेदार ने क्या रेता ही लगाया था या जो मिट्टी डाली इसमें? रेता। अच्छा, मिट्टी डाली थी। तो इसमें अब ये रोड कट रही है, इसमें पत्थर लगना चाहिए। क्या नाम है आपका? अरविंद। अरविंद। कहाँ रहते हैं आप? ये जो गोरा पर जो पुल बना है सेतु निगम द्वारा, तो इस पुल पे बताते हैं कि मिट्टी डाल रहे हैं ये और रोड कट जा रहा है कि बारिश हुई, तो क्या कहना है? वो पत्थर पड़ जाएगा, सही रहेगा ना इस अप्रोच रोड पे? आप क्या चाहते हैं, पत्थर डल जाए तो सही रहेगा? जी, सही रहेगा।